ममता। अच्छा वो आप आ गए। बच्चा? मम्मू बच्चे का तो कोई प्लान ही ना था। आप भी ना, आपसे तो मन में ही बात करना अच्छा है, वो आपको अच्छे से सुनाई देती है। मैंने कहा था अच्छा वो आप आ गए। कुछ काम है क्या? मेरी दोस्त आ रही है सुनीता, इसकी इरादे कुछ गड़बड़ है, ऊपर से कुछ और दिखाती है और अंदर से कुछ और। तो मैं चाहती हूँ आप उसकी मन की बात पढ़कर मुझे बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे इतनी सी बात पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। ओ ममता कैसी है तू, कितने दिनों से तुझसे मिलने का मन कर रहा था पता है। तुझसे मिलना तो बस बहाना है, मैं तो यहाँ हरियाणा के सलमान को देखने आई हूँ। आओ ना बैठो। और जीजू कैसे हैं आप? बस जी मजे में हैं। हाय, जब ये हंसता है 440 वोल्ट का झटका देता है जालिम, और ये डोले शोले, उफ। क्या कह रही है ये? तारीफ कर रही है। किसकी? तुम्हारे डोले शोलों की। डोले शोलों की? कह रही है कि तुम्हारी फिगर एक नंबर है। एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम कुछ लोगी? हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे ले आओ। कब तक बचोगे? आज नहीं तो कल भगाकर ले ही जाऊंगी तुम्हें। नहीं। क्या हुआ? भगाने की बात कर रही है। किसे? मुझे। उठ। क्या हुआ? मैंने कहा ना उठ। लेकिन हुआ क्या है? मेरे घर में आके मेरे पति पे लाइन मार रही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरा मतलब है, मतलब छोड़, आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी, निकल यहाँ से। और आपको बड़ा मजा आ रहा है? अरे तुमने तो बोला था उसके मन की बात पढ़ने के लिए। हाँ तो मन की बात पढ़ते वक्त इतना शर्माना क्यों? अरे चल छोड़ो, मेरा कसरत का टाइम हो गया, अखाड़े जा रहा हूँ मैं। कसरत तो मैं करवाऊंगी अच्छे से। देखो मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। वाओ चॉकलेट्स, वो भी मिल्क वाले। इच्छा और दूध एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। लाख रुपए की बात की अंकल जी, लेकिन अगर दूध में चॉकलेट मिल जाए ना तो मजा ही कुछ और है। लीजिए ना। दादी लीजिए ना एक और। बस छोरी बस, मुझे नहीं खिलाओगी? क्या हुआ? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं है। मैं अपनी पहचान बता दूं? मैं अमृता। विशेल का नाम तो सुना ही होगा। मैं वहीं से आई, दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों की दुश्मन। अब सारी बात यहीं करोगे या मेरे कमरे में आओगे? इच्छा, लगता है जीने की इच्छा खत्म हो गई है तेरी। नहीं जानती कि तू किससे टकराई है। कहावत है कि नाक के बिल में हाथ डालना यम के दरवाजे पे दस्तक देना है। तूने हमारी बहन, हमारी विशैली को चुनौती नहीं दी, बल्कि तूने हमें ललकारा है, विश्नाइनी को ललकारा है। अब देख इसका अंजाम। बोलो क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अच्छी है चॉकलेट, एक्चुअली तुम्हें यही काम शोभा देता है, चॉकलेट खाना खिलवाना।
अच्छा बच्ची हो तुम, बच्ची की तरह ही रहा करो। अभी कुछ देर पहले इसी बच्ची के सामने तुम कितनी बेबस और कितनी लाचार थी, भूल गई? विशैली कुछ नहीं भूलती है। वैसे एक बात की तो दाद देनी होगी इच्छा, क्या कमाल की योजना बनाई थी तुमने, पहले अगवंश बनकर मुझे गुमराह करने की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे उठवाने की। पर तुम एक बात भूल गई इच्छा, अगर तुम्हारे साथी तुम्हारी मदद करने आ सकते हैं तो क्या मेरे साथ ही मुझे बचाने के लिए नहीं आ सकते? मुखिया जी सावधान, हमला हो रहा है। अगवंश छोड़ना मत दोनों को, भून डालो दोनों को। मुखिया जी आदेश में भवो। भाग गए दोनों, अगर पकड़ में आ जाते तो मेरा नागिस्तान तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, इच्छा नाम की सीढ़ी है मेरे पास, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। विशैली वो है जो अपना बदला पूरा करने के लिए राख से भी उठकर आएगी। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तुम इस मासूम परिवार को। मासूम नहीं है ये परिवार। उस बुढ़िया के बड़े बेटे शंकर को जानती हो ना तुम, उसने मुझसे मेरा प्यार छीना था, मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला था उसने। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जो हुआ वो एक नाम बदलने से अंजाम नहीं बदलता है। जो दर्द मुझे मिला है वही दर्द मैं इस परिवार को दूंगी। इस परिवार के एक एक सदस्य को भयानक मौत दूंगी। नहीं, नहीं, तुम उन्हें नहीं मार पाओगी। कौन रोकेगा मुझे, तुम? हाँ, मैं। तुमने विशेलगढ़ के बारे में तो सुना ही होगा, वहां के नागों को शक्ति का वरदान। इंसान को मौत देने के लिए उनकी जुबान तो क्या एक फूंक तक काफी होती है। वही की नागिन हूँ। और फिर भी इतने दिनों इस घर में रहने के बावजूद तुम इस घर में किसी भी इंसान का कुछ नहीं कर पाई। अगवंश बुद्धिराज जैसे साथियों के साथ होने के बाद भी तुम्हें बार बार शिकस्त खानी पड़ी, क्यों? एक बुराई की ताकत लेकर तुम आई हो और एक अच्छाई की ताकत को लेकर ये परिवार खड़ा है। अच्छाई कमजोर है तुम्हारी अच्छाई। एक बार बुराई अपनी औकात पर आ गई ना, चिथड़े उड़ा देगी तुम्हारी इस अच्छाई के। बुराई का यही घमंड उससे ले डूबता है, और विशैली एक दिन तुम भी डूबोगी। इच्छा, आतंक और अच्छाई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है, और कहानी के अंत में ही सही न्याय सच्चाई को ही मिला है। और अगर मैं बीच में ही अंत कर दूं तो? भगवान ने हमें सैकड़ों वरदान दिए हैं, लेकिन जिंदगी और मौत वो अभी खुद तय करते हैं। लेकिन इस परिवार का भगवान मैं बनूंगी, इस परिवार को मौत मैं दूंगी। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने नापाक इरादे छोड़ो और इस घर से चली जाओ। अब विशैली इस घर को शमशान बनाने के बाद ही जाएगी, वो भी सीधे नागिस्तान, वहां राज करेगी। खुली आंखों से देखे हुए सपने सिर्फ धोखा देते हैं। तुम्हारे और तुम्हारी जीत के बीच मैं खड़ी हूं। रह जाओगी, टूट जाओगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन टूटता है और कौन बचता है। ठीक है, तो आज से हम दोनों के बीच में होगी खुली लड़ाई। तुम अपना दाव खेलना, मैं अपना दाव खेलूंगी। बचा सकती हो तो बचाओ खुद को और इस परिवार को।
मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। मेरे जीते जी इस परिवार को कुछ नहीं होगा। और अब ये नागिस्तान की सपोली इच्छा शैलगढ़ की राजकुमारी को शिकस्त देकर ही दम ले। ममता दीदी आप तू तो एकदम मारपीट पर आ गई। नहीं दीदी कुछ नहीं, आप बताइए इतनी रात को आप यहाँ पर कुछ काम था? 12 बज गए हैं, आज अप्पू का जन्मदिन है। अप्पू का जन्मदिन? हाँ हम सब बाहर मिलकर मना रहे हैं, तू भी चल। चलो। ए माँ देख तो सही कैसा लग रहा मैं? अरे तू तो बिल्कुल जोकर लग रहा है। अरे वाह कितना सुंदर घर सजाया है। सजाया है? अरे सजाते तो हम अखाड़े में हैं। यहाँ तो बस घर सजाया है, अप्पू का जन्मदिन है ना। तुझे हर मामले में बोलना जरूरी है क्या? झमेला? अरे नाना पिताजी झमेलों से तो मुझे सख्त नफरत है, बस अपने घर का मामला था इसलिए मैं थोड़ा बोल दिया। चुप, केक कटने तक अप्पू कुछ नहीं बोलेगा समझा? अरे केक कहाँ है, कब तक छोरे को इंतजार कराओगे? अरे ममता बबल जी केक लाने गए हैं, मैं अप्पू को बुला के लेके आती हूँ। जा जल्दी जा। ये बर्थडे पर केक काटना जरूरी होता है क्या? किसकी बर्थडे पार्टी में? किसी के भी। अरे किसी की बर्थडे पार्टी में केक लाना है या नहीं ये तो किसी तय करेगा ना, हमको क्यों सोचना इस बारे में। हाँ लेकिन अप्पू के बर्थडे पार्टी में बाहर से केक आएगा जरूर, उस पे मोमबत्ती जलेगी, अप्पू उसे फूंक मार के बुझाएगा और हम सब गाना गाएंगे। ये नागुमी देव कौन सी नई परीक्षा है? भगवंश मौके की तलाश में है, मोमबत्ती की आग उसके अनुनी मत होने देना। ये रहा केक और ये रहा कैंडल। ए छोरा ये कैसी मोमबत्ती है? अरे दादी इसमें बल्ब लगा है देखो, रसम की रसम भी हो जाएगी और आग का खतरा भी नहीं। ओहो क्या तरकीब है, तभी तो आई लव यू बबल जी। ये बबल को आई लव यू कौन बोल रहा है? अरे वाह छोरा क्या आइडिया निकाला है तूने, आज मैंने वो कहना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई लव यू। आई लव यू टू दादी। ओ दादी ने बोला था, फिर कोई चिंता नहीं। ममता अरे कहाँ रह गए, जल्दी से बर्थडे बॉय को लेके आ गया मेरा राजा बेटा, अब जल्दी से केक काट दे भूख लग रही। ये देख अप्पू। आप इतने अच्छे क्यों हैं बब्बल जी? माँ कहती है मुझे आपसे दूर रहना है, मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ पर फिर भी खुद को आपसे दूर नहीं रख सकती। आई रियली लव यू बब्बल जी। भाई वाह
केक काटने और खाने में तो मजा आ गया, अगर असली वाली मोमबत्ती आती तो मजा आ जाता। अरे बावले भूल गया, आग भड़क जाती तो क्या होता? तो बाल्टी भर पानी डाल देते उस पर दादी। हाँ, और केक का शरबत बना के पी भी लेते। बाकू, 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 आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे 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 रुक, मेरा फन चक्कर खा रहा है। अब बोल क्या बात है? इलाज मिला है। इलाज किसका? अगवंश नाम की बीमारी को काबू में करने का इलाज। क्या, कैसे? आग का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी, हम उस अगवंश पर पानी डाल डालकर उसकी ताकत खत्म कर देंगे। लेकिन इच्छा, हम अगवंश पर पानी डालेंगे कैसे? वो हमेशा हवा में उड़ता रहता है, उस पर पानी डालने का सिर्फ एक ही जरिया है, बारिश, और वो करवाना हमारे बस में नहीं है। जानती हूँ, लेकिन जब नागोमी देव ने समस्या का हल सुझाया है तो हल तक पहुंचने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। अरे पटक दे उसे। अरे सारा दिन इतना खाना खाता रहता है, तेरी ताकत जाती का है सबल। ए छोरा उठ उठ। क्या हुआ दादी? हमारी बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद रोज सुबह शाम तुझे अखाड़े में उतरने की जरूरत है। अरे अभी से कुश्ती के दाव पे सीखेगा तो। दाव पेच की चिंता आप मत करो दादी, वो तो हमेशा मेरे पेट में चलते ही रहते हैं। कभी मिठाई नमकीन को धोबी पछाड़ मारती है तो कभी पकौड़े पराठों को उठा के पटक देते हैं। हे भगवान, सारा टाइम खाना खाना खाना, खाने के अलावा तुझे और कुछ सोचता है के? ना ना दादी, इसलिए तो इतनी सेहत बनाई है। अरे सबल के कर रहा है, कमर से उठा के पटक दे उसे। अब तू कुश्ती छोड़कर क्यों आया? अरे कुश्ती उश्ती होती रहेगी दादी, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी चाय। अरे लाए गरम गरम दे दे मने। हाँ बोल छोरा, के बोल रहा था तू? अरे दादी मुझे लगता है बबल के हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे बावले, छोरियों के हाथ पीले हुए छोरों के नहीं। अरे तो कोई बात ना दादी, पीले की जगह लाल कर देंगे। अरे रंग छोड़, जज्बात समझ दादी, जज्बात। जज्बात ही समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या अचानक तुझे बबल की शादी की चिंता क्यों हो गई? अरे मैंने अपने कानों से सुना है दादी। अच्छा, तूने सुना है तेरे कानों से? तो पिछड़ बेकार। अरे दादी सुन तो सही। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, अरे अमृता कह रही थी कि माँ ने कहा है कि बबल से दूर रहो, और मुझसे रहा ना जा रहा, क्या करूं? इन्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला मतलब? हा? अरे मैंने अपने कानों से सुना है। भैया मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। ए छोरा, तू यकीन से कह रहा है कि अमृता ने ऐसी बात की है? अरे पूरा यकीन है दादी। वो दादी क्या है ना कि हमारा बबल मक्खन का गोला है, और बहुत सारी चालाक बिल्लियां उस पर घात लगाए बैठी हैं। तो हमें कोई एक अच्छी सी बिल्ली देख के ना उसके गले में घंटी बांध देनी चाहिए। तो ठीक है, बिल्ली ढूंढने से पहले मैं बबल से बात करती हूँ। हाँ यो भी सही है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चुप खड़ी हो जरूर कोई बात है, चाचू की शादी की चली आज बात है। सॉरी। अच्छा तुम भी ना किसी भी बात की टेंशन ले लेती हो। चाचू और अमृता ये तो जोड़ी ही गलत है,
कोई कितनी भी कोशिश करे ये जोड़ी नहीं बनेगी। वैसे भी बब्बल जी माने या ना माने उन्हें तो बस इच्छा की इच्छा है। अरे इच्छा तुम कितना समझा रहे फिर भी तुम्हारे बब्बल जी को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे चाचू खुद ही नहीं मानेंगे इस शादी के लिए। बात मेरी खुशी या मेरे दुख की नहीं है अप्पू। मैं नहीं चाहती क्या अमृता का नाम किसी भी तरह बब्बल जी से जुड़े। वो अच्छी लड़की नहीं है बल्कि वो तो लड़की ही नहीं है। मतलब मतलब वो भी एक इच्छाधारी नागिन है, विशैलगढ़ की इच्छाधारी नागिन। वो देश जो सिर्फ बुरे नागों के लिए जाना जाता है। इच्छा वो यहाँ क्यों आई है? बदला लेना है।